तो अपन आगे लास्ट में जहाँ पे तोपे वगैरह रखी रहती है, जहाँ से मतलब दुश्मन पर हमला करते हैं, तो उस जगह में आ गया। और ये काफ़ी सारी तोपे यहाँ पे रखी गई है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आप सब दोस्त कैसे हो? आप सब दोस्त बढ़िया होनी चाहिए दोस्तों। तो आज के इस न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। तो मैं अभी हूँ जोधपुर। तो दोस्तों नारिया धोली है, अब यहाँ इस होटल से अब निकल रहा हूँ मैं बाहर। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों। और जितने भी नए फ्रेंड्स आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। काफ़ी अच्छा यहाँ पे डेकोरेट किया गया है गार्डन को, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। चलो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं जो ऊपर के किले पे आया हूँ, तो मैंने पीछे वाले गेट से एंट्री की है। तो जस्ट पीछे गेट से एंट्री करते ही मुझे कुछ इस तरह झील का पानी भरा हुआ दिखाई दिया, और ये पूरा तालाब को दिख रहा है ऊपर भी। तो ऊपर जाएंगे दोस्तों, यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है आपको दिख रहा होगा, और पानी में बतख तैर रही है। उधर भी कुछ छोटे छोटे बतख उधर भी है। और चलो फिर ऊपर चल के दिखाते आपको ऊपर का व्यू। तो यहाँ का व्यू इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है। और सूर्य की किरणें रोशनी काफ़ी अच्छा व्यू यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हाँ बोलो। तो हम कुछ गलत रास्ते से आ गए, और ये गढ़ का तालाब है, तो इसमें गढ़ के लिए पानी की सप्लाई यहाँ से की जाती है। काफ़ी पुराना है, यहाँ पे एक सब्जी का मंदिर है जो व्हाइट कलर की है। और इधर तो गार्ड से नहीं बताया, अब गलत जगह आ गए। तो फिर से हम वापस लेफ्ट लेके गढ़ की तरफ जाएंगे, लेकिन यहाँ से निकलते जल्दी से इतना चढ़ना पड़ेगा यार काफ़ी। तो बिल्कुल थक चुका हूँ दोस्तों, मॉर्निंग का टाइम है, और किले में काफ़ी ऊपर चढ़ना पड़ेगा शायद अभी। यहाँ पे जिस तरह अपने गेटों का नाम होता है ना, वो ऐसा कुछ लिख नहीं रहा कि कौन सा गेट है, लेकिन यहाँ पे लिख रहा है गोपाल पोल। गोपाल पोल से एंटर हो गया अपन, अभी काफ़ी एंटर करना पड़ेगा। और ये कुछ मंदिर वहाँ पे, तो लोग वहीं जाना पड़ेगा काफ़ी ऊपर। और इसे इधर का व्यू, ये किले की दीवार है पूरी चारों तरफ से बनी हुई, और उधर भी शायद पूरा किला है, उधर सामने दिख रहा है। तो उस पहाड़ पे भी किले की दीवार बनी हुई है वहाँ तक, और जहाँ तक आपको दिख रही है वहाँ तक देख सकते हैं आप। अभी अपन और ऊपर जा रहे हैं, के पास जा रहे हैं, तो पहले हमको कटाना पड़ेगा टिकट, और उसके बाद में हमारी होगी किले के अंदर एंट्री। तो देर के साथ की फटाक से कटवाते टिकट और चलते फिर किले के ऊपर। कबूतर भी क्या है यार, काफ़ी शानदार चिल कर रहे हैं, देखो कितना अच्छा व्यू यार, वाओ वेरी नाइस। पहले कटाते टिकट, वो मॉर्निंग में ही काफ़ी खूब यहाँ पे किले को देखने के लिए दर्शक आ चुके हैं, और मेरे से पहले ही आ गए। मैंने काफ़ी कोशिश बहुत जल्दी की आने के, लेकिन दूर था ना थोड़ा सा, तो आने में थोड़ा लेट हो गया, इस वजह से अभी टिकट लेते हैं पहले। तो टिकट के लिए काफ़ी भीड़ लग रही है, तो अपन फटाक से टिकट लेते हैं। और क्या बात है भाई, केवल यहाँ पे तो काफ़ी दर्शक आ चुके हैं, और सेल्फी वगैरह सब कुछ हीरोइन वगैरह कैच अप करवा रही है। तो अभी लेते हैं टिकट, और टिकट लेने के बाद अपन चलते हैं किले के अंदर। तो ये टिकट दो सौ रुपये, तो दोस्तों 200 रुपये का टिकट कर चुका है अपना, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो ये 200 रुपये का टिकट है, तो शायद एक यहाँ पे रखेंगे और एक और दिखाना पड़ेगा। टिकट तो अपन ने ले लिया, थोड़ा सा पीछे देख लेते हैं पीछे क्या है, इधर ट्रेन बस वगैरह यहीं बस वगैरह आती है शायद यहाँ पे। तो गाइस जैसे देख रहे हैं, तो यहाँ पे बस वगैरह टूरिस्ट वगैरह बस जो यहाँ पे आती है, तो इधर से एंट्री होती है उनकी। तो यहाँ का भी मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ, तो लोग वहाँ सेल्फी वगैरह ले रहे, धूप आनंद लेते हुए सर्दी में। तो सनराइज़ काफ़ी अच्छी तरह से खुल चुका है पूरा, और मैं जिधर से आया था वो बांध उधर है, अभी मैं और ऊपर जाना है। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर भी किला है, और यहाँ से ये सारे गाड़ियाँ वगैरह इधर से यहाँ पार्क करके एंट्री होती है उनकी। किला काफ़ी बड़ा है, उधर भी पहाड़ है, और इधर वो पता नहीं क्या है, वहाँ पे भी जाने के टाइम बचेगा तो जाएंगे। ये तो, और यहाँ पे गणेश जी का मंदिर है सामने, तो जय हो गणेश महाराज। थोड़ा चैनल को हेल्प करना, जल्दी जल्दी ग्रो हो जाए। टिकट अपने करा लिया, टिकट यहाँ पे चेक करेंगे गार्ड साहब, तो इनको एक बार टिकट दिखा देते हैं, उसके बाद यहाँ से सर हो गए। तो टिकट पास हो गया अपना, फिर यहाँ से अभी चलते हैं।
भाई बहुत बरदाना है और बहुत बरदाना बहुत बरदाना अभी तो काफ़ी मतलब चलो ये बहुत अच्छा गाना है, काफ़ी पुराना है, अच्छा है, बहुत मस्त है मेरे लिए। तो ये पलंकी सॉप कैफे है, अगर आप किसी को कॉफ़ी वगैरह पीना सैंडविच वगैरह खाना यहाँ पे आप आके विजिट कर सकते हैं। ये इनकी सीटिंग है, काफ़ी अच्छा है। और अभी अपन उधर से टिकट लेके आए हैं और अपन अभी जाएंगे इस गेट से ऊपर की तरफ। टिकट लेने के बाद फिर से चढ़ाई करनी पड़ रही है गाइस, बहुत मेहनत करनी पड़ी इस ब्लॉग बनाने के लिए। तो यार माय यूट्यूब फैमिली प्लीज़ माय सपोर्ट यार, जल्दी जल्दी सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो यहाँ पे सेल्फी दोस्तों क्या बताऊँ, इस ब्लॉग में तो बहुत बुरी हालत ख़राब हो गई है, बहुत ही बुरी। यहाँ से आप कुछ खरीद सकते हैं जो भी आपको चाहिए राजस्थानी आइटम वगैरह जो भी, और यहाँ पर खाने पीने का एक और कैफे बना है, कैफे मेहरा के नाम से है। तो आप यहाँ पर सूरत पोल आ चुका है और दोस्तों अपन सीढ़ियों से छोटे छोटे कदमों से ऊपर की तरफ निकल चुके हैं और काफ़ी चढ़ाई करनी पड़ गया दोस्तों। और ये देखो एकदम चॉकलेट कलर, पीछे से चॉकलेट कलर, सामने से गोल्डन कलर। यहाँ पर कुछ इस तरह से क्या बात, मेरी हालत देखिए आप काफ़ी। तो दोस्तों सनराइज़ काफ़ी ख़तरनाक तरह से निकल चुका है, बहुत भयंकर धूप। और अपन इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं ऊपर के लेके इससे। तो यहाँ पे ये कुछ राजा महाराजाओं का जो भी है मतलब चेयर वगैरह है कुछ इस तरह से है, तो यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना मेरे पास टाइम नहीं है पढ़ने के लिए, आप पढ़ेंगे। और यहाँ पर आपका बैठ है तो ये कुछ इस तरह से मतलब आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो राजा क्लब भी सेना थी कुछ इस तरह से ही है, एलिफेंट वोडन, और यहाँ पे भी कुछ इस तरह से। तो ये सब चेयर वगैरह है, यहाँ पे कुछ सारा इतना कुछ है नहीं, पुराने चेयर्स वगैरह है, लेकिन देखने को काफ़ी अच्छी है और ठीक है। अभी हम निकलते हैं दूसरे रूम की तरफ, तो वहाँ का भी दिखा, यहाँ पे भी कुछ इस तरह से। तो ये राजा महाराजाओं को इस तरह से ले जाएगा जा रहा है यहाँ पर। और ये कुछ जो रथ है वो यहाँ पर रखा है, सामने आप देख सकते हैं बहुत काफ़ी बड़ा है। बस यहाँ से कुछ इस तरह से भी बिठाए के ले जा सकते हैं, और ये भी बैठने का ही है, तो जो डोली वगैरह है रानी है तो इसमें इसके अंदर ले जा सकता है। और ये भी सीट है और ये भी ले जाने के, तो इन सबको लोग ही ले जाते थे मतलब राजा महाराजा के सैनिक लेके जाते थे अपने कंधों पर रख के। और अभी चलते हैं नेक्स्ट फ्लेवर्स क्यों ग्रुप शूटिंग हो रही है यहाँ पे, तो ग्रुप शूटिंग काफ़ी अच्छी तरह से हो रही है। तो अभी अपन किधर से स्टार्ट करें, तो इधर ये देखो इसके अंदर राजा रानियों को साइड बैठा के ले जाता था, और राजा महाराजाओं के जो पुराने हथियार है वो दिखा देता हूँ, एकदम धारदार नुकीले, काफ़ी पुराने होंगे शायद उनकी टाइम के ही है, जो बच्चे को चाहिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसका नाम तलवार है, और ये भी शायद वो तलवार है, और कुछ यहाँ पर भी है देखो कोई नहीं सर। और एक हाथ में कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, और इधर का मैं दिखा देता हूँ, ये ढाल वगैरह, ये गन है दोस्तों, देखो गन कितनी तैयार है, ये भी तैयार है, काफ़ी अच्छा पुराना है। इधर एक मशीन ये ढाल रहा है, तो ये तोड़ रहा, और तो ये राजा महाराजा का जो रुका है वो ये यहाँ पर रखा है, तो देख रहा हूँ। तो ये प्लेस वगैरह काफ़ी पुरानी ड्रेस है, तो यहाँ पर इस तरह से पानी क्या है ये देखिए सब लॉक होती है, सब लॉक वॉक करने के लिए यहाँ पे ये गन है, गन काफ़ी बहुत बड़ी है, नागोरी बोल के देखते हैं। कुछ लोग इस तरह से यहाँ नीचे से ऊपर की तरह आ रहे हैं, और जैसे मैं दिखा रहा हूँ और इसी तरह से ये ऊपर का बना हुआ है जैसे आप देख पा रहे हैं। और एक बार वहाँ दस्ते दिखा रहा हूँ कितना ऊपर आ गया दोस्तों, देखो कितना ऊपर आ गया, ये पूरा जोधपुर है आपको दिख रहा था, और इस तरह से कुछ आपको दिखाई दे रहा है। तो हम भी चलते हैं जीते प्रोवाइड,
आज भी इन्होंने धातु ऐसी लगी थी लगा के रखी है, इनको बहुत ही नशीले हैं और काफ़ी अच्छे हैं। ये तैयारी लग रही है छोटी छोटी, और ये चेक करो गाइस, भाले भाले चेक करो गाइस, ये कम से कम 10-15-20 फुट हो गए लंबे, काफ़ी खतरनाक है। ये अंदर का हॉल है, आपको देख सकते हैं, तो इसमें अंदर जाने के लिए एंट्री नहीं है, बाहर से मैं दिखा पा रहा हूँ आपको, शू वगैरह लगा रहे और ऊपर तक कुछ इस तरह से है। ये चेक करो गाइस, ये चेक करो गाइस, तो अपन आगे लास्ट में जहाँ पे तोपे वगैरह रखी रहती है, जहाँ से मतलब दुश्मन पर हमला करते हैं, तो उस जगह में आ गया। और ये काफ़ी सारी तोपे यहाँ पे रखी गई है, यार उनके पास नहीं जा सकते, पता नहीं क्या लगा रखा है, ये रेलिंग वगैरह लगाने के बाद उनको देख नहीं सकते पूरी तरह से। तो दोस्तों यहाँ से इनको चला जाता है, इसमें जो भी बारूद वगैरह लगा था तो यहाँ से इनको चलाया जाता है दुश्मन के ऊपर हमला करने के लिए। तो अगर आप चला दिया तो पूरा जोधपुर शहर उड़ जाएगा, देखो कितनी बड़ी तोप है दोस्तों, अरे एक ही चला दी तो पूरा जोधपुर उड़ जाएगा यहाँ। मुझे इधर भी तोपे रखी है बहुत सारी, उधर भी वहाँ तक रखी है, तो उस मंदिर तक जाएंगे अपन। तो अभी ये चेक करो गाइस, इतना प्यारा व्यू है, तो गाइस ये चेक करो एक बार, तो ये काफ़ी अच्छा है, वहीं पे हम जाएंगे। और नीचे से कुछ जा रहे हैं लोग, वहाँ इसी रास्ते से जाएंगे, पहले आपको दिखाते हैं ये काफ़ी सारे मशीनें रखी है, तो इनको चेक करो एक बार गाइस, खतरनाक लोडेड फुल, ये चेक करो गाइस, एक नंबर, काफ़ी सारी है, उधर एंट्री नहीं है जाने के लिए, यहाँ से आपको काफ़ी सारी दिख रही होगी, इतनी तो शायद मैंने किसी घर में आप अभी तक तो देखी नहीं। पहला ये जोधपुर है का फोर्ट है जो यहाँ पे इतनी सारी तोपे रखी है, और काफ़ी अच्छा। दोस्तों पहले मैं ट्राईपॉड से शूट कर रहा था वीडियो, तो पूरा फोर्ट शूट करने के बाद लास्ट का ये रह रहा था, तो गार्ड ने मना कर दिया, भाई इसका फ़ाइन हो जाएगा, आप इसको बैग में रख लिए, तो वो मैंने अंदर रख लिया ट्राईपॉड। और ड्रोन और ट्राईपॉड ये ऐसे मतलब कुछ आप
एकदम वाह, ये देखो गूगल पे मत बस, ये देखो पूरा फोर्ट विजिट करने के बाद अपने यहाँ से निकल रहे हैं। तो आप सभी दोस्त बढ़िया होने चाहिए, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू फ्रेंड्स। तो प्लीज़ चैनल फॉर सपोर्ट, तो आप सभी दोस्तों का फुल सपोर्ट चाहिए।